परमेश्वर ने क्या क्या कहा था? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। फ्री बैठने के लिए खुदा ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। लेकिन आज कोई मेहनत नहीं करना चाहता, तो इसीलिए लोगों की जिंदगियों में बरकतें नहीं, इसलिए लोग ब्लेस नहीं हो पाते। जब ब्लेस नहीं हो पाते, तंगी में रहते हैं, तो फिर मुंह खोल के दूसरों को परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा पहले तो मेहनत कर, पहले आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर, दूसरा तू मेहनत कर ताकि तू सब बातों में उन्नति कर सके। जब आप मेहनत करोगे तब परमेश्वर आपके आपके कामों पर बरकत देगा, आपकी मेहनत पर बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। क्या कहता है? कि उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया। मेहनत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस हो सको। दूसरे आपके मुंह से जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और वो सुने, तो उसके लिए क्या करो? सबसे पहले परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को पहचानो। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं कि आत्मिक रीति से यदि तू उन्नति करेगा तो सब बातों में उन्नति करेगा और तू भला चंगा रहेगा। सो आत्मिक उन्नति सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। जब परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ोगे तब परमेश्वर सब बातों में उन्नति करेगा। अगर आपकी सब बातों में उन्नति हुई और फिर आप जब लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताओगे तो वो आपकी सुनेंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सब बातों में उन्नत किया। हालेलुया। अगर आप खुद तंगी में जी रहे हैं, लोगों को पता है कि आप तंगी में हो, आप कर्जों में हो, तो किस तरह से आप परमेश्वर का वचन उन लोगों को बता पाओगे जिनसे आपने कर्जा लिया है? किस तरह से आप बता पाओगे कि परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है? लेकिन अगर आप सब बातों में उन्नति करोगे तो सच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर पाओगे। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सब वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। सो इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी, ताकि आप इस काबिल बन सको, ताकि आप इस योग्य बन सको कि परमेश्वर के बड़े कामों को, परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य को आप दूसरों को भी बता सको। हालेलुया। सो परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सो फाइनेंशियली ब्लेस होने चाहिए। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मसीह जो है फाइनेंशियली ब्लेस होने चाहिए, वो इस योग्य होने चाहिए ताकि वो दूसरों को जब बताएं तो वाकई में उन पर, दूसरों पर उस सुसमाचार का असर हो, ताकि वो सच में जान सके, जानने की कोशिश करें कि इनका परमेश्वर कौन है। हालेलुया। सो इसलिए हमें आत्मिक रीति से उन्नति करनी है, परमेश्वर की खोज में लगना है। यूप परमेश्वर की खोज में लगा, लिखा है कि उसके जैसा डर और भय मानने वाला और परमेश्वर को और कोई न देखा, परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। सो उसी तरह से हमें भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है, उसी तरह से हमें भी आत्मिक रीति से उन्नति करनी, ताकि परमेश्वर हमारी गवाही दे। जब हम परमेश्वर हमारी गवाही देगा, जब परमेश्वर को हमारा पता होगा कि सच में हम खराई से और सताई से चलने वाले हैं, तो परमेश्वर सब बातों में, योग को लिखा है कि परमेश्वर ने प्रॉस्पर किया, सब बातों में उसकी उन्नति हुई, वो पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से परमेश्वर ने उसे प्रॉस्पर किया, उसके परिवार को ब्लेस किया। किस तरह से परमेश्वर ने उसे अमीरी दी? क्यों? जब आत्मिक रीति से संपन्न हुआ, जब परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि मैंने इसके जैसा खराई से चलने वाला कोई मनुष्य नहीं देखा, उसके बाद परमेश्वर ने सब बातों में उसकी उन्नति की। हालेलुया।